नमस्कार, डीवी न्यूज में आपका स्वागत है। मध्य प्रदेश अगले दो दिन स्ट्रॉन्ग सिस्टम की वजह से खूब भीगेगा। मंगलवार सुबह भोपाल ग्वालियर में रिमझिम बारिश हुई। मौसम विभाग ने जबलपुर ग्वालियर समेत 27 जिलों में तेज बारिश का अलर्ट जारी किया है। प्रदेश में अब तक एवरेज 12.9 इंच पानी गिर चुका है। यह सीजन की 35% बारिश है। इसी के साथ मौसम विभाग ने दोपहर 12 बजे तक ग्वालियर समेत 12 जिलों में भारी बारिश और बिजली चमकने का अलर्ट जारी किया है। इनमें अशोकनगर, बैतूल, छिंदवाड़ा, ग्वालियर, हरदा, जबलपुर, मुरैना, नर्मदापुरम, पांढुर्ना, रायसेन, सिवनी, श्योपुर शामिल है। 4 दिन से हो रही बारिश से प्रदेश तरबतर हो गया है। बता दें कि पश्चिमी हिस्से भोपाल, इंदौर, उज्जैन, नर्मदापुरम, ग्वालियर, चंबल संभाग में एवरेज से 5% ज्यादा पानी गिर चुका है, जबकि पूर्वी हिस्से यानी रीवा, सागर, जबलपुर और शहडोल संभाग में 17% कम बारिश हुई है। हालांकि 3 दिन से इन संभाग के जिलों में भी तेज बारिश हो रही है। बारिश का आंकड़ा लगातार बढ़ रहा है। उधर सिवनी में बिठली गेट के पास रेलवे ट्रैक पर बारिश का पानी भर गया। सोमवार शाम 6 बजे छिंदवाड़ा से नैनपुर और नैनपुर से छिंदवाड़ा के बीच चलने वाली 2 पैसेंजर ट्रेन एहतियातन रद्द करनी पड़ी। सीनियर मौसम वैज्ञानिक ने बताया है कि छत्तीसगढ़ के मध्य हिस्से में लो प्रेशर है, इस वजह से मानसून ट्रफ लाइन मध्य प्रदेश के बीच से गुजर रही है। साइक्लोनिक सर्कुलेशन भी एक्टिव है। पूर्व उत्तर राजस्थान के ऊपर चक्रवाती घेरा है। अरब सागर और बंगाल की खाड़ी से नमी भी आ रही है। इन्हीं वजहों से 48 घंटे के दौरान बारिश का दौर चलता रहेगा। अगले 24 घंटे में ग्वालियर, चंबल में बारिश की एक्टिविटी तेज होगी। अरब सागर की तरफ से नमी आने से इंदौर संभाग भी भीगेगा। इसके बाद सिस्टम का असर कम होगा, लेकिन प्रदेश के पूर्वी हिस्से के कुछ हिस्सों में मध्यम से भारी बारिश हो सकती है।